यस देखिए, सो प्रीवियस क्लास में अपन ने इनवर्स फंक्शन स्टार्ट किया था टॉपिक। इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको ये बात इनवर्स निकालना सिखा दिया था, क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया कि सिलेबस को थोड़ा अपग्रेड किया है, और उस सिलेबस में आपको इस बार इनवर्स फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है एंड डिफरेंशिएट दोनों करना है, ठीक है। सो देखिए, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। अब आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, आप यहां पर एक चीज देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस लाइन से मेरे को एक बात ये समझ में आ गई है कि मेरे को तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, एफ ऑफ एक्स का ही करना है, ठीक है। लेकिन यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, यूजिंग मतलब मेरे को यूज करना है किसका, एफ इनवर्स ऑफ वाई का, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई का यूज करके डिफरेंशिएट करना है। अब आपको इसको मैं ट्रिक भी समझाऊंगा और इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नया टाइप है, न्यू टाइप ये इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेबस में, सो ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इवन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टेक्निक्स देख लीजिए सबसे पहले। अब देखिए, मेरे सामने पहला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स का मेरे को डेरिवेटिव करना है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। देखिए इसको मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा बाय गिवन कंडीशन से। सबसे पहले देखिए कि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए फिर वन अपॉन टू रूट एक्स। ये सबको क्लियर हो गया, y is equal to root x, तो dy by dx is equal to 1 upon 2 root x, आंसर यही है हमारा, यही आंसर है, यही निकालना है। लेकिन इसको हमको रूल से निकालना है that using the derivative function, है ना, using the derivative of inverse function, x is equal to f inverse of y in the following, मतलब कि हमको x is equal to f inverse of y का यूज करके डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब मैं आपको इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा कि dy by dx is equal to होता है 1 upon dx upon dy, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और dx upon dy is equal to होता है 1 upon dy by dx। ये आप याद रखिएगा कि dy by dx is equal to 1 upon dx by dy होता है, एंड dx upon dy is equal to 1 upon क्या होता है, dy by dx। ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है। अब यहां पर देखते हुए चलेगा सभी लोग, अगेन एक चीज और बता देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स ऑफ y होती है, एंड dy by dx इज इक्वल टू कितना होता है, f डैश ऑफ x, है ना। if y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है भाई, तो dy by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए f डैश ऑफ x, यानी यही फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब अगेन अब मैं देखिए फॉर्मूले को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम को बाय यूजिंग द फॉर्मूलास। नाउ अब ये अगर क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखते हुए चलिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि y इज इक्वल टू कौन है आपका, रूट एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स है। आपको यहां पर क्या करना है, पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए उसके ऊपर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे एग्जाम्पल इनवर्स निकालना सिखा दिया था, ठीक है। सो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, ये कितना हो गया, बोलिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। ये स्टेप समझ में आया सभी को, अच्छा स्क्वेयरिंग क्यों किए अभी आप लोगों ने, स्क्वेयरिंग हमने इसलिए किए क्योंकि हमको x को स्क्वेयर रूट से बाहर करना था, क्योंकि मेरे को पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर जाना है, और x के इक्वल टू में लेकर जाने के लिए मैंने इसको स्क्वेयरिंग किया क्योंकि वो रूट के अंदर था। अगर वो क्यूब रूट के अंदर होता तो मैं उसको क्या करता, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड। आई बात समझ में, ठीक है। सो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमको पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर जाना है, पहली स्टेप ये करनी है।
ठीक है, और अपने को पता है x इज इक्वल टू कितना होता है f इनवर्स ऑफ y। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है, तो ये f जब इधर जाता है तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो जाता है x। ये हम कई बार पिछले वाली लेक्चर्स में देख चुके हैं और मैं आपको ये क्लियरली बता चुका हूँ। सो नाउ अब क्या करना है मेरे को, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो देखिए, नाउ x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, y स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहां पर अभी तक हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू x, और किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को, यानी कि हम dy by dx निकाल रहे थे। नाउ अब मेरे को उल्टा करना है, मेरे को क्या करना है, अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और किसको डिफरेंशिएट करना है, x को, यानी कि अब मेरे को डिफरेंशिएट, मेरे को फाइंड आउट जो करना है वो dx अपॉन dy करना है। सो देखते हुए चलिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, बोलिए x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy इज इक्वल टू, बोलिए y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2y, क्योंकि x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। जैसे रूल हम विथ रिस्पेक्ट टू x यूज कर रहे थे वैसे ही रूल हमको विथ रिस्पेक्ट टू y ही करना है, बस x की जगह इस बार वेरिएबल कौन आ गया है, y। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव के मैंने आपको बता दिया था कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y भी करते आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u करते आता है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ अब हमने dx अपॉन dy निकाल लिया, ठीक है, आंसर हमको पहले से ही पता है कि ये आंसर आने वाला है और यही आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको उसने प्रोसीजर बताई है तो वही प्रोसीजर अब हम फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, y इक्वल टू रूट एक्स लिखा और वहां से x को हमने क्या किया, क्लियर किया, यानी कि पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर चले गए, और x को इक्वल टू में लेके जाने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कर देना है, और मैंने अब डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ हमको क्या निकालना है, बोलिए dy by dx निकालना है, हमको क्या निकालना है, dy by dx, क्योंकि उसने बोला ना डिफरेंशिएट किसको करना है, डेरिवेटिव किसका निकालना है, y is equals to f of x का, तो y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy by dx, और dy by dx का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था 1 अपॉन कितना जगह, बोले dx अपॉन dy होता है, ये सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ लिया था कि dy by dx is equals to 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो बताइए क्या हो जाएगा, is equals to 1 अपॉन, बोले dx अपॉन dy की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 2y, सबको ये चीज समझ में आई। सो dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, 2y, सो ये हुआ मेरा आंसर, लेकिन मैंने तो बोला था कि आंसर तो 1 अपॉन 2 रूट x आना चाहिए, यस आंसर यही आएगा। लास्ट में क्या करना है आपको, लास्ट में आपको जो y है, जो भी आंसर में आपके y आएगा उस y की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है प्रॉब्लम में ओरिजिनल प्रॉब्लम से। बोलिए y की वैल्यू क्या है, रूट x, तो हमारा भी आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए 1 अपॉन 2 रूट x। सबको ये चीज समझ में आई है क्या, देखिए वही आंसर आया था, ये स्टेप लिखना नहीं है एग्जाम में आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, आप इसको रफ में लिख के रख दो सो दैट आप आंसर को पहले ही पता करके रख सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको ये प्रोसीजर करनी है बिकॉज ये बोर्ड्स के नए रूल्स है, आप इसको नोट करके रखिए, वीडियो को पॉज करके नोट करके रखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ पहला क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू कितना है, log x, मैंने साइड में क्वेश्चन लिख के रखे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि पहले क्वेश्चन से आपको सभी को बेसिक आइडिया आ गई होगी, सो जिन लोगों को बेसिक आइडिया आ गई है मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, आपके प्रैक्टिस करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आप पूरे प्रॉब्लम लिख लीजिए, पहले ही सॉल्व करके रखिए, एंड देन वीडियो को प्ले करिए, सो दैट आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो करेक्ट सॉल्व किए हैं या वो रॉन्ग सॉल्व किए हैं, ठीक है। सो देखिए, y इज इक्वल टू log x, हमको पता है कि अगर y इज इक्वल टू log x है तो बताइए dy by dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोले 1 अपॉन x, तो ये बात तो फिक्स होगी, हमारा आंसर कितना आने वाला है, 1 अपॉन x, ये पहले ही हमको पता चल गया है, लेकिन क्योंकि उसने कंडीशन डाल दी है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको यहां पर कंडीशन यूज करके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, न्यू टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। देखिए
आपको सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेके जाना है, यानी कि इनवर्स निकालना है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो इसके पहले भी हमने इसका इनवर्स निकालना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, हमको सभी को पता है कि अगर a इज इक्वल्स टू लॉग b है तो b का वैल्यू क्या होता है, बोलिए e रेस टू पावर a, हम पहले ही देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, लॉग के सारे रूल हम पहले ही पता कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, बोलिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो y इज इक्वल्स टू लॉग x। कभी भी एक काम करना, पहले में हमेशा लेट करके एक बार क्वेश्चन लिख लेना, लेट y इज इक्वल्स टू लॉग x। अब बताइए x की वैल्यू, लॉग इधर जाएगा, देखिए लॉग इधर ट्रैवल करेगा, तो जब लॉग इधर ट्रैवल करता है तो वो क्या बनता है, e, और जब e इधर ट्रैवल करता है तो क्या बनता है, लॉग। ये बात याद रखना, जब e इधर जाएगा तो लॉग बनेगा, लॉग जब इधर जाएगा तो e बनेगा, ठीक है। सो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो देयरफॉर बोलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया, e रेस टू पावर y हो गया। ये चीज सबको समझ में आई। नाउ अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, अभी बिल्कुल पहले वाले प्रॉब्लम में देख लिया था। बोलिए डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, सो देयरफॉर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस बार बोलिए dx अपॉन dy। समझ में आया क्या, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy by dx, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy dx अपॉन dy, अगेन e पावर x के फॉर्म में है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, तो e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y ही हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा e पावर y। अब मैंने dx अपॉन dy की वैल्यू निकाल के रख दी है। नाउ अब आगे कैसे सॉल्व करना है, सो देखते हुए चलिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, dx अपॉन dy की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नाउ हमको तो निकालना क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y = f ऑफ x, यानी हमको तो इसी का डेरिवेटिव निकालना है, जो y = f ऑफ x, यानी कि जो y = फंक्शन बैठा है उसी को डिफरेंशिएट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, dy / dx = ये फार्मूला एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, कितना हो जाएगा बोलिए, 1 अपॉन dx अपॉन dy। समझ को समझ में आया, सो dy / dx = 1 अपॉन dx अपॉन dy, ये फार्मूला लिखना आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है। नाउ सो देयरफॉर dy / dx = 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी हो जाएगी बोलते हुए चलिएगा, e पावर y। एंड लास्ट में मैंने आपको बोला था कि y की वैल्यू रिटर्न करनी है आपको, बोलिए y की वैल्यू क्या है, सो देयरफॉर dy / dx = 1 अपॉन e पावर, बोलिए y की वैल्यू कितनी है, log x, सभी को समझ में आया क्या, y की वैल्यू कितनी है, log x। सो बोलते हुए चलिएगा dy / dx is equals to 1 अपॉन, देखिए e और log क्या हो जाएंगे आपके कैंसल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज कि हमेशा याद रखिएगा, अगर e रेस टू पावर log a है तो e और log हो जाते हैं कितना, कैंसल। कई बार चर्चा कर चुके हम ये बहुत सारी क्लासेस में, सो यहाँ पर भी e और log हो जाएंगे कैंसल, सो आपका कौन बचेगा, x। सो ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस उसमें एक नया कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया है और वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। सो आप इस जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप इसको नोट करिए, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए y = क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3। मैंने आपको इसका इनवर्स लास्ट वाले लेक्चर में ही सिखा दिया था कि इसका इनवर्स कैसे निकालना है, है ना। इनवर्स निकालना मतलब कि पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर जाना, इनवर्स निकालने का मतलब पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर जाना। तो देखिए y = log ऑफ कितना है, बोलिए 2x - 3, ठीक है। अगर ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी वो आ सकता है, ठीक है। सो देखते हुए चलिएगा, y = log ऑफ 2x - 3 है। नाउ पहला काम क्या करना है, यस, पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेके जाना है। फिर मैं देख रहा हूँ यार x किसके अंदर फंसा है, x तो log के अंदर फंसा है, तो पहले मेरे को उस x को log के बाहर निकालना पड़ेगा, log से उसको रिलीज करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूंगा, बोलिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलिए ये log अगर इधर गया तो कितना हो जाएगा, e पावर y इज इक्वल्स टू 2x - 3। स्टेप समझ में आया है क्या सभी को, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log इधर गया e रेस टू पावर y 2x - 3। नाउ इसके बाद देखिए ये जो माइनस थ्री है इसको हम इधर फेंकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 3। सो देखते हुए चलिएगा,
e पावर y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि मेरे को पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेके जाना है, तो जो भी टर्म प्लस माइनस में पहले उसको फेंकूंगा, और फिर x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में उसको फेंकूंगा, पहले प्लस माइनस वाले एंड उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। सो देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा डिवाइड में, सो देयर फोर ई रेस टू पावर वाई प्लस 3 एंड अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को x। अब मेरे को x की वैल्यू मिल गई है। नाउ मैं अब क्या करने वाला हूँ, यस अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम। नाउ x इज इक्वल टू क्या मिल गया है, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर y, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा, x इज टू ई रेस टू पावर y प्लस 3 एंड अपॉन में 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, और देखिए अब डिफरेंशिएट कैसा होगा क्योंकि हमको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, y। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, देखिए x का डेरिवेटिव dx अपॉन कितना हो गया dy, ठीक है। लास्ट में हमको फॉर्मूले में फिट कर देना है चीजों को, ठीक है, और हमको आंसर का भी पहले ही जजमेंट आ गया है कि 1/2x-3 और इनटू क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसको कैसे करना है। सो आपको dx अपॉन dy का डेरिवेटिव करना है, आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि भाई e रेस टू पावर y, तो जहां जहां y है वहां वहां पहले उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो गया e रेस टू पावर y की वैल्यू बोले कितनी, log ऑफ 2x-3 और ये प्लस 3। अच्छा सॉरी पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, सॉरी पहले डिफरेंशिएशन करना है। हाँ बोलिए, e रेस टू पावर y का डेरिवेटिव e रेस टू पावर y प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, सबको ये चीज क्लियर है, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। नाउ डिवाइड में जो 2 बैठा है क्या उसका डेरिवेटिव 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो उसके साथ डिवाइड में है, डिवाइड यानी ही मल्टीप्लाइड होता है, बिकॉज डिवाइड 2 बोलिए या आप मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बोलिए एक ही बात होती है। आप देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि x अपॉन 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, बोलिए 1/2, सबको ये चीज क्लियर है क्या, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव कितना होता है बोलिए 1/2, बिकॉज x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 एंड डिवाइड वाला 2 साथ में रहेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, x अपॉन 2 को लिख सकते हो आप dx अपॉन d अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 × x, सबको ये चीज क्लियर हुई है। तो 5x का डेरिवेटिव कितना होता है 5, तो 1/2 × x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो इसी तरह तो ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में है तो वो एज इट इज रह जाएगा। सो ये याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड या डिवाइड में है किसी भी फंक्शन को, तो उसका डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे तो वो जैसा का वैसा ही वहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसका डेरिवेटिव आप 0 लिखिएगा नहीं, अगर आपने इसका डेरिवेटिव यहाँ 0 लिख दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो अब हमारा आंसर आ चुका है। सो हमारा आंसर बेसिकली कितना आया, e पावर y अपॉन 2, ये हमारा dx अपॉन dy का आंसर आ गया है। लेकिन स्टिल आंसर पूरी तरह से आया नहीं है, अभी हमको यहाँ पर अगेन y की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। सो देखिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा, सभी लोग पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिए, dx अपॉन dy इज इक्वल टू e रेस टू पावर y, बोलिए y की वैल्यू कितनी है, log ऑफ 2x-3 एंड होल अपॉन में कितना आ गया 2, सबको ये चीज क्लियर है, en log हो जाएगा क्या आपका कैंसल। सो मेरा आंसर कितना आ गया बोलिए 2x-3 और अपॉन में कितना है 2, ठीक है। तो ये dx अपॉन dy का आंसर आया है, हमको किसका आंसर चाहिए था बोलिए dy बाय dx का आंसर चाहिए था। सो देखिए मैं यहाँ पर ये स्टेप रफ करने के लिए जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, इस स्टेप को लिख के रखिए, ठीक है। सो अब हमको तो निकालना था किसका आंसर बोलिए dy बाय dx का, एंड वी ऑल नो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है 1/dx/dy होता है। सो नाउ देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/, बोलिए dx अपॉन dy की वैल्यू कितनी आई थी 2x-3 एंड होल अपॉन में कितना 2, 2x-3 एंड होल अपॉन में कितना 2, वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 1/a/b है, हमको सभी को पता है कि अगर 1/a/b होता है तो हम इसको b/a लिखते हैं, ठीक है भाई। सो इसको हम जैसे ऊपर टर्न करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/2x-3, यस हमारा आंसर करेक्ट आ चुका है, और यही आंसर की हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि हमको तो आंसर पहले से ही पता था y इज इक्वल टू log x के फॉर्म में प्रॉब्लम था, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, x कौन था आपका 2x-3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट पार्ट आप अगर करते सो 2x-3 का डेरिवेटिव कितना था 2, सो आंसर आपका 2/2x-3 आना था, ये हमको पहले से ही पता था और ये अभी हमने नोट भी कर लिया।
ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए, पॉज करिए वीडियो को, एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है, मैं अभी उसी को ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ देखिए वाई इज इक्वल टू, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है बोलिए कितना है, 2x+3। अब देखिए 2x+3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इस जानबूझ के क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो दैट आपके और सिंपल क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे स्ट्रांग होते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बहुत टफ प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन टफ प्रॉब्लम आप बाद में करिए। मैं आप हर वो स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा जो डायरेक्टली टफ प्रॉब्लम को अप्रोच करता है या डायरेक्टली टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ये बहुत गलत अप्रोच है। आप पहले हमेशा हमेशा आप पहले बेसिक क्वेश्चन लगाइए, इजी क्वेश्चन लगाइए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया सो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ, हार्ड कितने भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू कितना है, 2x+3, एंड वी ऑल नो दैट कि अगर वाई इज इक्वल टू 2x+3 है, अगर y इज इक्वल टू 2x+3 है तो बताइए dy बाय dx का वैल्यू कितना होगा, तो बोले 2। आंसर हमको पहले से पता है यहाँ पे कि आंसर कितना आएगा, 2। अब हम इसको, हमारे को जो टेक्निक उसने बोली है, जो मेथड उसने बोली है, उस मेथड से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देखते हुए चलेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में लेकर जाकर रखना है। ठीक है, तो देखिए लेट कर लेना हमेशा पहले, लेट y इज इक्वल टू 2x+3, ये प्लस 3 इधर जाएगा कितना जगह, बोलिए y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 2x, y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x, अगेन 2 के साथ x टू और x मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए ये जो 2 है यहाँ आ जाएगा, यानी कि y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। ये स्टेप समझ में आया सभी को, सो देयरफॉर हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी मिल गई है बोलिए, x इज इक्वल टू कितना आया है, y माइनस 3 और अपॉन में कितना, 2। नाउ अब हमको ये जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, वो भी कैसे, विथ रिस्पेक्ट टू y से मेरे को इसको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। अब ध्यान से देखते हुए चलेगा सभी लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, सो बोलिए देयरफॉर dx upon dy इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करते समय फोकस हमेशा एक्स वाली टर्म पे, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव करते समय, इस केस में डेरिवेटिव करते समय फोकस हमेशा वाई वाली टर्म पे, क्योंकि अभी हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। तो देखिए बोलिए वाई का डेरिवेटिव 1, अभी सेम केस हम कर चुके हैं, ठीक है, इसके बिल्कुल प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में। सो वाई का डेरिवेटिव 1, माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका 0, और अपॉन में 2, क्योंकि वो y के साथ मल्टीप्लाई में, बिल्कुल सेम के साथ हमने सॉल्व किया था। सो मेरा आंसर कितना आ गया, बोलिए 1/2, ठीक है, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलिए dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए कितना आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है, 1/dx/dy, फॉर्मूला लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। सो 1/ कितना आ गया, 1/2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, सो मेरा आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना कि dy बाय dx की वैल्यू और dx/dy की वैल्यू एक दूसरे को रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, सो आप ये चार क्वेश्चंस हुए, इस चारों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके रखिए और अच्छे से इनको पढ़िए एक बार फिर से वीडियो को मैं बोलूँगा। अगर आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए, एल्स आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करिए।